सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, होता क्या है भाई, जब हम कुछ बच्चे पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। आपने 100 रुपये उधार लिए किसी से, ठीक है, अब आपने इंटरेस्ट उससे फिक्स कर लिया। इंटरेस्ट तो सब बच्चों को पता ही है भाई, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा उस पर जितने टाइम के लिए आपने वो लिया है। तो हमने क्या करा, हमने प्रिंसिपल लिया 100 और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कह देते हैं कि किस परसेंटेज से आप वापस करोगे, 10%, ठीक है, पर एनम, पर ईयर, ठीक है, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, ये टाइमिंग अलग अलग आएगा, बीच में सोचेंगे, अभी पर एनम। और आपने उनसे टाइम कह दिया, सर 2 साल के बाद हम आपको वापस कर देंगे। तो होगा क्या, आपने 100 रुपये उनसे उधार लिए हैं और आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप सब बच्चों को पता है 100 का 10% 10 होता है, ठीक है जी। तो अगर आप 1 साल के बाद उनको देते तो आपको देना पड़ेगा 110, जितना आपने अमाउंट लिया था वो प्लस इंटरेस्ट। आपने लिया है 2 इयर्स के लिए तो फिर 1 साल का और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट यही देना पड़ेगा 10 रुपीज, 100 का 10%। तो आपका इंटरेस्ट, आपका जो अमाउंट हो गया, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 100 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया सर 120। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट मुझे देना होगा 20 रुपीज, और अमाउंट की बात करूं, टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो वो देना होगा 120 रुपीज। इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई क्या? हाँ जी, यस और नो? ठीक है, अब जरा थोड़ा सा यहां से चेंज आएगा जब हम बात कंपाउंड इंटरेस्ट की करेंगे। भाई जिस आदमी ने पैसे दिए हैं वो ये कहता है कि सर आपने 100 रुपये मुझसे उधार लिए थे, आपने 1 साल मेरे पैसे अपने पास रखे हैं, आपको अगले साल मुझे 10 रुपये देने हैं, तो सर मेरे पैसे हो गए अब आपके पास 110। ध्यान से सुनते जाइएगा, अब मेरे पैसे आपके पास 100 रुपये नहीं हैं, 110 रुपये हैं, तो अगर आपको अगले साल देने हैं तो सर अब आप मुझे 110 रुपये का 10% इंटरेस्ट दीजिए। तो 110 रुपये का 10% 11 रुपये होता है, तो आपके पास क्या हुआ, 110 प्लस 11, तो आपको देने पड़ेंगे सर 121 रुपीज। यहां आपको देने पड़ रहे थे, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, यहां पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज, दूसरे साल का 11 रुपीज, तो 10 प्लस 11 21। अगर मैं अमाउंट की बात करूं, 100 रुपये उधार लिए थे, 21 रुपये ब्याज के देने हैं, तो 100 प्लस 21 121। तो दोनों में ये फर्क आ जाता है, यहाँ पे 20 रुपीज इंटरेस्ट था, यहाँ पे 21 इंटरेस्ट है, यहाँ पे अमाउंट 120 था, यहाँ पे 121 है। हुआ क्या है, हुआ सिर्फ इतना सा है कि सर जो आपने अगले साल जो आपको इंटरेस्ट देना है, ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे कि जो अगले साल आपको, पहले साल तो आपको 100 रुपये पे 10 रुपये देने थे, बात सही हो गई, लेकिन अगले साल क्या करना है, इसका 10% देना है। प्लीज सब बच्चे ध्यान से, इसका 10% देना है और इसका 10% हो गया 10 रुपये प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, लेकिन अगले साल इस 10 रुपये का भी 10% देना है और इस 10 रुपये का 10% होगा 1 रुपया, तो अगले साल इंटरेस्ट होगा 10 प्लस 1 11, जो ये 11 है, ये वाला जो 11 आया है वो यहां से आया है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, या ये कह लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट ऐड हो गया प्रिंसिपल में, कंपाउंड का मतलब कंबाइन कर देना, तो अगर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप सब बच्चे देख रहे हैं, पहले साल के लिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट से निकालिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालिए, अमाउंट सेम रहेगा, पहले साल के लिए 110 रुपये ही आना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, आप 1 साल और लगा लीजिए
तो उस साल भी 10 ही रुपए देने पड़ेंगे, एक साल और लगा लिए फिर 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो सेम रहेगा, सिंपल रहेगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर यहां मैं बात करूं तो अब मुझे जो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा 121 का 10% देना पड़ेगा, तो 121 का 10% होता है 12 रुपए 10 पैसे। तो अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो 121 प्लस 12 तो ये हमारे पास हो गया 133.10, जबकि वहां हो रहा है 3 साल का 130 और यहां हो रहा है 133.10, 3.10 का गैप आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या मतलब है, ध्यान से सुन लीजिए। पहले साल का प्रिंसिपल 100 है, उस पर आप 10% ब्याज दे रहे हो, तो जो अगले साल का अमाउंट आएगा, अमाउंट हमारा अमाउंट आ गया 110, दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। जो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर आएगा वो प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। सर कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल एक ही रहेगा, 100, एक साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, 4 साल लो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको सिर्फ फॉर्मूले से हम चेंज कर देते हैं, उसी में हम क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म, दोनों देख लेंगे छोटे छोटे से। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, ये बस। अगर आपको अमाउंट निकालना होगा तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। जैसा मैं आपसे कहूं 500 रुपए उधार लिए, रेट जो है हमारा सपोज करो, ठीक है, 20% पर एनम है, 5 साल के लिए लिए, इंटरेस्ट बताओ, और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो बताइए इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा था, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो 100 से आप क्या करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 जा 100, 100 इंटू 5, 500, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 500 आएगा, और हमारा प्रिंसिपल भी 500 था, इंटरेस्ट भी 500 आया है। तो अगर हमें अमाउंट निकालना होगा कि हमें अमाउंट कितना देना है, तो 500 प्लस 500 1000। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आप सब बच्चों को ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ये इसमें भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, आपसे क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल 500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, ध्यान से देख लीजिए, 20% पर एनम है, ठीक है सर, और आपसे ये कह दे कि भाई टाइम कह दे 6 मंथ, और आपसे कह दे सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रेट दे रहा है पर एनम और टाइम दे रहा है मंथ में, तो चॉइस आपकी है, या तो टाइम को मंथ से ईयर में चेंज करो या रेट को पर एनम से पर मंथ, चॉइस आपकी है। तो आसान क्या है, अगर हम 6 मंथ को चेंज कर लें ईयर में, तो 6 मंथ को ईयर में चेंज करने का मतलब 12 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता होगा 1/2 ईयर होता है, 6 महीने का मतलब आधा साल, तो हमारे पास ईयर आ गया 1/2 ईयर। तो अगर हमारे पास 1/2 ईयर आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम 100, ये आंसर। तो 100 से 100, 2 से 10, 10 5 जा 50, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 50 रुपीज, दैट्स इट, इतना सा है सर। आया कुछ समझ में? हमारे पास क्या है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ये 8th क्लास के सारे टॉपिक्स हैं, अमाउंट ए इज इक्वल्स टू पी 1 + R/100 टू द पावर n, ये हमारे पास। यहाँ पे p हमारा प्रिंसिपल है, r हमारा रेट है, n नंबर ऑफ ईयर्स हैं और a हमारा अमाउंट है,
तो यहां से सीधा अमाउंट निकल के आता है। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। अब अमाउंट तो हमारा यही रहेगा पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो अगर आपको कभी लिखना हो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला तो पी वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन माइनस पी, तो पी पी कॉमन, तो आपके पास आएगा वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस वन। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी या ऊपर भी आप ध्यान रखिए, अगर हमारे पास क्या है रेट है, ठीक है, वो पर एनम दिया है और हमारे पास टाइम है वो एनुअली दिया है, तो ठीक है अगर आपसे ये कह दे और कंपाउंडेड एनुअली कह दे, कंपाउंडेड एनुअली, तो ये पर एनम रहेगा, ये ईयर में रहेगा टाइम। लेकिन अगर आपसे कह दे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ध्यान से देख लीजिए, रेट को हाफ से डिवाइड कर देना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, और टाइम को टू से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपसे कहता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट को फोर से डिवाइड करना है, टाइम को फोर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे देख लीजिए, इधर सपोज करो रेट हमें दिया हुआ है 20% पर एनम और टाइम हमें दिया हुआ है 4 इयर्स। कब? जब हमारा इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ईयरली ऐड हो रहा है। अब आप क्या कह रहे हो, नहीं सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। तो अगर सर आपको 20% पर एनम देना था तो हाफ ईयर में आपको जस्ट 10% देना होगा, 20/2, तो 10% हाफ ईयरली। लेकिन आपको टाइम को भी हाफ ईयरली करना होगा। अगर आपके पास ये 4 इयर्स हैं तो 4 इयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं 6-6 मंथ के, तो 4 ईयर में 8 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो रेट को डिवाइड करना है, टाइम को मल्टीप्लाई कर, अगर वो ईयर में है तब, और अगर मंथ में दिया हुआ है तो पहले ही सोच लो कि भाई कितने मंथ में कितने हाफ ईयर होते हैं, 6 महीने का एक हाफ ईयर होना है। लेकिन अगर आपसे कहते नहीं सर अब हमारा इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंड होगा और हमारे हमने लिया हुआ है 20% एंड 4 इयर्स, तो क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4, तो 20 को 4 से डिवाइड करो तो 5% पर क्वार्टर आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। लेकिन 4 साल में कितने क्वार्टर होंगे, एक साल में 4 होते हैं, तो 4 ईयर में 4 से मल्टीप्लाई 16 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर छोटे छोटे से क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोनों तरह के, जहां जहां जो होगा इंशाल्लाह फिर सॉल्व करते हैं। आओ जी डॉक्टर साहब, मैं पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के करा दूं, क्योंकि अगर कुछ बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट करा होगा तो वो बोर हो रहे होंगे, तो मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के करा देता हूं छोटे छोटे से क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे कह रहे हैं व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपीज 3000 अमाउंट्स टू 3993 इन 3 इयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ये हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो कि हमारे पास क्वेश्चन में है क्या क्या, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। एट व्हाट परसेंट, तो भाई रेट परसेंट मालूम कर रहा है वो, पर एनम विल रुपीज 3000, तो दैट इज अवर प्रिंसिपल, अमाउंट्स टू रुपीज 3993 इन 3 इयर्स, टाइम इज 3 इयर्स, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो पहली बात तो कंपाउंडेड एनुअली है और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे पास 4 चीजें हैं, अब इन चारों का क्या फॉर्मूला हो सकता है,
चारों का फॉर्मूला हो गया सर, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस आर, पता नहीं है, अपॉन 100 टू द पावर एन। सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा। तो अब हमारे पास और तो कुछ बचता नहीं है, इसको हम अपॉन में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा सर, 3993 अपॉन 3000 वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे अंदर आर निकालना हो और यहाँ मेरे पास पावर 3 आ रही हो, तो ध्यान से देख लीजिए, इधर जो होगा इसकी भी पावर 3 आनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। जब अंदर हम, जब हमारी बेस सेम हो जाएगी, बेस हमारा सेम हो जाएगा, तब हम इनर वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये इतना ईजी सा हो जाता है। और ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसकी कैलकुलेशन ईजीली कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कोई पूछेगा आपसे कितना खतरनाक डेसिमल में आ रहा है आंसर, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट चेक करना है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है नहीं आता। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो सर ये 1000 आएगा, और इसको 3 से कैंसिल करूँ तो 1331 आएगा। अब आपको सोचना है कि सर मैंने आपसे कहा है कि ये जो होगा ये 3 होना चाहिए, तो आपको शायद समझ में आ रहा हो कि 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो आपको सोचना है 1331 किसका क्यूब होगा। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है 1331 किसका क्यूब होता है? ठीक है, यस, क्यूब होना है। तो क्यूब जरा ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 का क्यूब में 1 आएगा, 2 के क्यूब में 8 आएगा, 3 के क्यूब में 7 आएगा। तो इस तरह से भी सोच सकते हो। नहीं तो अगर नहीं समझ में आए तो 11 × 11 तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, 121 मल्टीप्लाई बाई 11 कर लो तो पता चल जाएगा। 1331 11 का ही क्यूब होता है, तो ये 11 का क्यूब हो जाएगा। अलग अलग लिखने से अच्छा है इसको मैं ऐसे ही लिख दूं जैसे मैं चाह रहा था कि भाई ये क्यूब हो गया। अब अगर ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है तो बेस हमारे पावर कंपेयर हो गई तो बेस भी हमारे सेम हो जाएंगे। तो 11/10 इज सेम एज 1 + r/100। तो आप क्या करोगे, आपके पास पावर अगर सेम है तो बेस को कंपेयर कर लोगे, तो ये बेस इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम हो जाएंगे। तो अब 1 को इधर लाओ, सॉल्व कर लो, क्या होगा भाई, 11/10 - 1 इज r/100। तो एलसीएम लोगे सर आप 10, तो 11 - 10 हो जाएगा 1, ठीक है, 1/10। तो फिर आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करोगे, तो r इज इक्वल्स टू, सब बच्चों को समझ में आया नहीं आया? ये कैलकुलेशन मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपकी चॉइस है आप कैसे करो। जैसा मैंने कहा, इधर ले आए 10, यहाँ एलसीएम आ गया, तो 11 - 1 हो गया, 11 - 10 हो गया, एलसीएम हो गया, r/100 हो गया, तो 11 - 10 जो होगा वो 1/10 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आर इज इक्वल्स टू 10%। ये आंसर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ ना तो बोलो। गुड, आओ जी, देखो बोलोगे तो शायद जागते रहो, वरना तो इंशाल्लाह सो जाओगे आराम से, कि सर आप चलते रहिए म्यूट मोड में, हम तो सो रहे हैं। ओके जी, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले में हमने आर निकालना सीखा, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइम निकालें। क्वेश्चन अभी भी उसी तरह से रहेगा, अब डायरेक्ट कोशिश करेंगे सीधा सीधा सा आंसर देने की। इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 2000 अमाउंट्स टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, कोशिश करूंगा कितने कम से कम स्टेप में, आप भी मुझे फॉलो करो कि कितने कम से कम स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो अमाउंट है वो 2420 है, डायरेक्ट कितना लिखना है। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 2000 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो आपने जहन में दिमाग में रखिए, अमाउंट ए पी 1 + r, 1 + r, r हमें इस बार दिया हुआ है 10% अपॉन 100 टू द पावर, आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी इयर्स,
तो ईयर्स निकालने, एन निकालने, एन नहीं पता। अब अगर आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, मैं इस 2000 को फिर यहाँ ले आऊँ, तो ये हो जाएगा 2420/2000, और ये हो जाएगा 1+, इसे अगर सॉल्व ही कर लें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, 10 बन जाए 10+1, तो ये आएगा 11/10 टू द पावर n। पहले मैंने आपसे कहा था कि इधर पावर 3 आनी है, अगर अब हमें पावर यहाँ पे पावर देखनी है कि n क्या है, सॉरी अगर अब हमें ये देखना है कि n क्या है, तो ध्यान रखिए इधर भी 11/10 की पावर ही आनी है। तो 11/10 की पावर का क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से। एक्चुअली मैं इसको कैंसिल कर दूं 2 से, तो ये 1000 हो जाएगा, और इसको अगर 2 से कैंसिल करूं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये मेरे पास आएगा। 0 से 0 कैंसिल करूं, तो ये आएगा 121/100। तो मैंने आपसे कहा था कि इधर भी 11/10 ही आना पड़ेगा। तो 120/1/100 किसका स्क्वायर होता है, कुछ पता है? ये 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 11/10 एन आ गया। तो जैसे वहां समझ में आ रहा था कि पावर 3 आनी ही आनी है, ऐसे मैंने आपसे पहले कह दिया था कि इधर 11/10 आना ही आना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे कि सर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी। तो बेस हो गया 11/10, तो पावर हो गई एन इज इक्वल टू 2। समझ में आया कुछ या नहीं आया? हाँ भाई, कुछ समझ में आया? तो यहां हमारे पास एन निकालना था। चलो एक क्वेश्चन खुद से करके देखो बहुत तेजी के साथ। सेम क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम एन निकालना है, तो बेस अपने आप ही सेम हो जाना चाहिए। करो कोशिश जल्दी से, कोशिश करिए सब बच्चे। थ्री इयर्स, वंडरफुल। और कोई बच्चा? चलो ऑप्शन बनाए, वंडरफुल। आओ जी सर देखो, इन व्हाट टाइम 1000 बिकम्स 1331। तो मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो 1331 आ रहा है, प्रिंसिपल 1000 आ रहा है, 1+R 10 आ रहा है, कितने ईयर पता नहीं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही लाइन में कोशिश करूँ सॉल्व करने की। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, एक ही लाइन में सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं सीधा सीधा सा 1000 को यहाँ से काट रहा हूँ, 1000 को यहाँ लेके आ रहा हूँ। अगर मैं 1000 को यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है सर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, तो 10+1 11 आ रहा है, 11/10 की पावर है, और इधर आ रहा है बस 1331/1000। तो आप खुद कह सकते हो कि ये 11/10 का क्यूब है, कितना है। तो अगर हम 11/10 को 11/10 से कंपेयर करें, तो फिर हम पावर को पावर से कंपेयर करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, n इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 आ जाएगा। गुड, देखो सर एक और देखो, हमें अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करेंगे, सोचो जरा इसके बारे में क्या आंसर है। The principal which will amount to rupees 27.40 in 2 years at the rate of 4% per annum compounded interest. तो इस बार क्या है, हमें amount दिया हुआ है, amount कितना दिया हुआ है, 270.40, principal पता नहीं है, 1+R दिया हुआ है 4%, कितने year में, 2 years में, ये बस। तो amount दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। हमारे पास क्या आएगा सर, ये 4 से ये 25 हो जाएगा,
25 से ये यहाँ जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा, तो 270.40 पी, ये हो गया 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है? अदरवाइज हम इसको क्या करें, नहीं हम सॉल्व करते तो हम अगर कैंसिल नहीं करते तो देखेंगे बाद में क्या आएगा। ये हो जाएगा 104 अपॉन 100 एंड 104 अपॉन 100, लेकिन 104 से क्या होगा, जरा मल्टीप्लाई करो तो ये हो रहा है 27040 इंटू 100 अपॉन 104 इंटू 104। ये हमारा प्रिंसिपल है, अब इसको जितनी जल्दी आप सिंप्लीफाई कर सको। वन जीरो फोर से अगर हम करेंगे कैसे कैंसिल हो सकता है, थर्टीन से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 13 8 जा ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इससे हम करेंगे 260 हो जाएगा, फिर 13 से हम करेंगे 20 आ जाएगा, फिर हम 4 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50। यस, तो प्रिंसिपल आएगा 250। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो प्रिंसिपल आएगा 250। खैर, हमारा पार्ट जो है, आपका जो लेवल का पार्ट है, वो इतना सा है कि आप फॉर्मूला सही से प्लेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 to the power n। तो कैसे हम r निकाल रहे हैं, कैसे हम t निकाल रहे हैं, कैसे हम p निकाल रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और देखो। यस, ये क्वेश्चन आप मार्क करके रख लीजिए, बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स। एक सेकंड होल्ड करिए जरा। शाहनवाज भाई क्या कर रहे हैं, बिडिंग? हाँ ठीक। हाँ भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। The sum of money on compound interest amounts to rupees 10648 in 3 years and 9680 in 2 years. The rate of interest per annum is, ये आपसे पूछ रहा है। कोई बच्चा बताएगा मुझे कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को? यस सर, दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाल देंगे तो वो 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। देखिए जरा ध्यान से, एक्चुअली हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को समझना है। आपसे कह रहा है कि सर सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 10648 इन 3 इयर्स, ये हमारा प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता है। 3 साल में इन 3 इयर्स ये हो जाता है 10648 इन 3 इयर्स, ठीक है, एंड 9680 इन 2 इयर्स।
टू इयर्स में इतना हो जाता है, थ्री इयर्स में इतना हो जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो दो साल के बाद का अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। तो इसका मतलब यह है, अगर हम सिर्फ एक साल की बात करें, सिर्फ एक साल की, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, और टाइम बचा सिर्फ वन ईयर। तो हमारे पास चार ही चीजें होती हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट, टाइम, या प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम। तो आपके पास तीन चीजें पता है तो आप रेट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में यही पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, ध्यान रख लीजिएगा, जब बात एक साल की आती है तो आप फॉर्मूला चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का यूज करो, बात एक ही है। अच्छा, अब जरा दोनों का गैप निकाल लो, तो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे। 9680 प्रिंसिपल है और 10648 अमाउंट है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है भैया, 808, ठीक है जी। और ये मेरे पास हो गया 1486, और ये मेरे पास हो गया 5 1569 968, यही होगा ना सर। तो 968 एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, और प्रिंसिपल हो गया 9680, और रेट हो गया पता नहीं, और टाइम हो गया वन ईयर, और अपॉन हो गया 100। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। अब हमारे पास क्या होगा सर, 968 से 968 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 0 से सर 0 कट जाएगा, 10 यहाँ चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू 10%, R इज इक्वल टू 10%। दूसरी चीज आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ रेट पूछ रहा था, लेकिन आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी। तो अब आपके पास क्या है, अब रेट आ गया आपके पास, आपके पास रेट आ गया, और आपके पास टू ईयर का या थ्री ईयर का जो भी आप सपोज करो, वो आपके पास जो है, वो आपके पास जो है अमाउंट दिया हुआ है। तो रेट ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, टाइम हो गया टू ईयर, टू ईयर वाला अगर आप काउंट कर रहे हो तो आप आराम से प्रिंसिपल निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे आप, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम, अब जो भी आप सॉल्व कर लें तो उस तरह से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखो जरा। यस, चलो जी एक चीज ये देखते हैं। मेरे अल्लाह, अरे भाई, चलो इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं जरा क्वेश्चन। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum is 101.50, then that simple interest on the same sum at the same rate and for the same time will be. क्या होगा सर? हाँ भाई, क्या होगा? चलिए,
हमसे क्या कह रहा है पहले वाले पार्ट में, द कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई दिया हुआ, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम, प्रिंसिपल नहीं मालूम, फॉर टू इयर्स टाइम दिया हुआ, एट 3% रेट दिया हुआ है, इज 101.5, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 101.50, हमारे पास यहाँ क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं, आपसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम रेट, सेम टाइम, तो रेट भी हमारा यही रहना है, टाइम भी यही रहना है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हमें पहले वाले पार्ट से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल निकाल के हमारे पास क्या आएगा, यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा, रेट हमें पहले से ही दिया हुआ है, टाइम हमें पहले से ही दिया हुआ है अपॉन 100, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, लेकिन प्रिंसिपल हम ऊपर से निकालेंगे, तो बस मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन फिर आपको देखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 n - 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 101.50, प्रिंसिपल पता नहीं है, r दिया हुआ है 3, टाइम दिया हुआ है 2 - 1, अब इसको जितनी जल्दी से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे वो आसानी है, क्या हो जाएगा 101.50 पी, यहाँ पे ये होगा 103, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 103 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर 1 से माइनस करोगे 100 जब एलसीएम लोगे, अपॉन 100 स्क्वायर, कुछ ऐसे आएगा, तो आप आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 101.50 प्रिंसिपल, जब प्लस करोगे तो 203 आएगा, जब माइनस करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, अपॉन 100 का स्क्वायर, तो प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा 101.50 इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन 203 इंटू 3, अब जो भी आंसर आए, तो प्रिंसिपल जब आ जाएगा तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल, जो भी ये आंसर आ रहा है आपका, इंटू आर, आर हमारा दिया हुआ था 3% और टाइम दिया हुआ था 2 / 100, तो ये हमारा आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और देखो सर आप, यस ये क्वेश्चन बहुत आता है तो इसको भी देख लीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years, तो आपके पास क्या है, आपके पास पता नहीं प्रिंसिपल कितना है, सपोज करो P, ठीक है, डबल कर रही है तो अमाउंट हो गया 2P, आप खुद सोचिए अगर हमारे पास P रुपीज थे और वो 2P हो गए हैं तो इंटरेस्ट हमारा P आएगा, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 100 रुपए थे और वो 200 रुपए हो गए हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट 100 रुपए होगा या नहीं, तो जितना प्रिंसिपल था उतना ही मेरा इंटरेस्ट है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, खैर इटसेल्फ इन 4 years टाइम हमें दिया हुआ 4 years एट इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कह रहा है कि 8 times कितने साल में हो जाएगा, ठीक है, एट द सेम रेट, रेट वही है तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बताइए, ये क्वेश्चन होता है, तो इसको हम कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया 2p प्रिंसिपल 1 + r/100 4, 4 साल में डबल हुआ था, तो अगर 4 साल में डबल हुआ था तो आप पी से पी कैंसिल कर सकते हैं, तो ध्यान से सब देख लीजिए, 2 की वैल्यू आ गई,
हमारे पास इधर है 2 और 2 की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस आर की पावर इतना। अब आप कह रहे हो 8 टाइम्स कितने साल में होगा, तो 8p प्रिंसिपल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 कितने साल में n, तो मुझे n निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं, p से p कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 8। लेकिन हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और हमारे पास 2 जो है वो ये है और इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 की जगह लिख देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 उसकी पावर 3 ऐसे। तो पावर पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 12 और इधर क्या होगा, इधर होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, तो इसका मतलब ये n इज इक्वल्स टू 12। ये आंसर, तो n इज इक्वल्स टू 12 हमारा आंसर। 12 साल में हमारी जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जरा इस पे आप करके देख, सबके सब बच्चे जरा इसको ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बताइए जरा आंसर, ये क्या होगा। बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हाँ भाई प्रिंसिपल कितना है 72 और अमाउंट कितना है 81, तो इंटरेस्ट आएगा 9। तो प्रिंसिपल रेट, रेट हो गया 6 1/4, 6 1/4 का मतलब 25/4 इन व्हाट टाइम, टाइम का पता नहीं है, अपॉन 100। तो सर इतना सा आया आंसर, तो हमारे पास क्या आएगा 9 से 8, 25 से 4, 4 से 2, 2 से 2, 2 यहाँ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 2 years, तो आंसर होगा 2 years। थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन समझ में आए क्या। हाँ जी बटालियन, क्या हुआ, सबको सब नींद आ रही है क्या। शादाब, रुमान, खुशबू, फातिमा, आसिफ, जुहेर, आवाज आ रही है जी सर। शादाब, शादाब साहब को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। यस सर, ठीक है। तो छोटा छोटा सा क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कल कोशिश करेंगे अगर हो पाई मंजर सर क्लास लेंगे, तो अगर हुआ तो मैं भी इंशाल्लाह देखूंगा, नहीं तो मंडे इंशाल्लाह। सर सर पूछना था कि सर मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चंस आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं सर, लेकिन छोटे से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एरिया पूछ लिया, एरिया का परसेंटेज पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन। एलजेब्रा से सर, एलजेब्रा में कौन सा टॉपिक की आप बात करोगे, मतलब सर किसी चीज का रूट निकालना हो गया या वो नहीं आते सर, क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं पूछेगा आपसे कोई भी। अच्छा सर, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े हैं 4-4 साल के, उन्हें कर लो, पता चल जाएगा, आईडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। सर कहाँ पढ़े हैं सर, वही तो बता दीजिए। सर हमारी वेबसाइट पे पढ़े हैं, studypoint.com पे देख लो जाके, और आपके जो इस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करें, 68 वीडियोस हैं बीबीए और उसके लिए एमबीए के लिए, तो इतने वही देख लो वीडियोस, बहुत हैं आपके लिए। study-point.com है, उस पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। okay. देखो मैं आपको बताता हूँ, अरे ओके सर देख लूंगा, ठीक है, तो उस पे देख लो, वहां मिल जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, अगर नहीं मिले तो। चलिए अस्सलाम वालेकुम।